सरसों से जुड़ी बड़ी खबरें। नई फसल की आवक बढ़ने के बावजूद तेल मिलर्स और व्यापारियों की खरीदारी से 16 से 22 फरवरी वाले सप्ताह के दौरान सरसों के दाम में गुजरात, हरियाणा एवं मध्य प्रदेश में कुछ सुधार दर्ज किया गया, जबकि राजस्थान में मिला जुला रुझान रहा तो यूपी में बाजार सामान्य देखने को मिले। समीक्षा दिन सप्ताह के दौरान 42% कंडीशन वाली सरसों का भाव दिल्ली तथा जयपुर में 50-50 रुपए सुधरा। दिल्ली में भाव 5400 रुपए प्रति क्विंटल पहुंचा तो जयपुर में 5475 से 5500 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश में सरसों का दाम हापुड़ मंडी में 5500 रुपए पर स्थिर रहा, मगर आगरा में नई सरसों का भाव 75 रुपए की तेजी के साथ 5775 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज किया गया। सरसों का भाव 16 से 22 फरवरी वाले सप्ताह के दौरान गुजरात की डीसा मंडी में 100 रुपए तथा धनेरा मंडी में 200 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ गया। हरियाणा में भी इसके मूल्य में 50 से 100 रुपए का सुधार आया, जबकि मध्य प्रदेश की मुरैना मंडी में भाव 100 रुपए उछलकर 4950 से 5000 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गया। सबसे प्रमुख उत्पादक प्रांत राजस्थान में सरसों का भाव कहीं तेज तो कहीं नरम रहा। इसका दाम गंगानगर में 151 रुपए तो बूंदी में 250 रुपए तथा नागौर में 200 रुपए प्रति क्विंटल नीचे लुढ़का, जबकि भरतपुर में 59 रुपए तथा रायसिंह नगर में 225 रुपए प्रति क्विंटल का उछाल दर्ज किया गया। समीक्षा दिन सप्ताह के दौरान सरसों तेल के दाम में 10 से 20 रुपए प्रति 10 किलो की तेजी आई। दिल्ली के एक्सपेलर का भाव 10 रुपए सुधरकर 1000 रुपए प्रति 10 किलो, चरखी दादरी में 15 रुपए बढ़कर 1010 रुपए तो मुंबई में 20 रुपए उछलकर 1000 रुपए तो लुधियाना में 15 रुपए बढ़कर 1020 रुपए पर प्रति 10 किलो पहुंच गया। कच्ची घानी सरसों तेल के दाम में भी कुछ सुधार दर्ज किया गया। प्रमुख उत्पादक राज्यों की महत्वपूर्ण थोक मंडियों में सरसों की आवक लगातार बढ़ने लगी है। इसकी मात्रा 16 फरवरी को 5,25,000 बोरी दर्ज की गई, जबकि 17 फरवरी को 5,50,000 बोरी मंडियों में पहुंची और 19 फरवरी को 5,85,000 बोरी की आवक देखने को मिली, जबकि 20 फरवरी को 6,25,000 बोरी तो 21 फरवरी को 6.5 लाख बोरी की आवक दर्ज की गई और वहीं 22 फरवरी को 6,90,000 बोरी मंडियों में पहुंची। सरसों का बिजाई क्षेत्र इस बार 100,40,000 हेक्टेयर के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा और मौसम के अनुकूल रहने से फसल की हालत बेहतर बताई जा रही है। इससे 2023-24 के वर्तमान रबी सीजन में इसका कुल उत्पादन 120 लाख टन तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। थोक मंडी के भाव फिलहाल एमएसपी से नीचे कारोबार करते दिखाई दिए हैं।